हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंधन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कहाँ पर चलते हैं। तो बहुत से लड़कों ने मुझसे कहा था कि सर, कक्षा 10 की भी हिंदी शुरू कर दीजिए। तो आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर करके धीरे 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 आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा? तो आपको कुल 100 नंबर का प्रश्न रहता है, किसमें? कक्षा 10 में। पहले समझिए, कक्षा 10 में कितने नंबर का प्रश्न रहता है दोस्त? 100 नंबर का, जिसमें यह दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो। पहला वाला आपको लिखना रहता है पेपर, जिसे कहते हैं लिखित परीक्षा। आपको पेपर लिखना रहता है। इस लिखित परीक्षा में आपको 70 नंबर का पेपर लिखना रहता है। और इधर जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, इसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन। क्या कहते हैं? आंतरिक मूल्यांकन। ये जो आंतरिक मूल्यांकन होता है मेरे दोस्तों, यह 30 नंबर का होता है। तो 70 और ये 30 मिलाकर 100 नंबर का। 100 नंबर की हिंदी में मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, यदि अच्छे से पढ़ जाएंगे मेरे दोस्त तो 90 नंबर। 100 में 100 लाने की मैं बात नहीं करूंगा, 90 से प्लस आएगा। हर एक लोगों की तरह हमको ये निश्चित नहीं करना है कि मैं 100 दूंगा, वह उस बालक के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा, लेकिन 100% में 100% आप लोग ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वह आपके ऊपर और इसमें जो लिखित होता है लिखने की शैली के ऊपर आश्रित करता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 70 नंबर होता है, इसमें से यदि बालक अच्छे से पढ़ लिया तो 60 नंबर, 61 नंबर, 62, 63 नंबर कहीं नहीं गया है। अब ये विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि ये 30 नंबर में से विद्यालय कितना आप लोगों को दे रहा है। तो यह विद्यालय के ऊपर है, यह आपके ऊपर है कि 70 नंबर में से आप कितना नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, यह आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब यह कहां से मैं उठाकर लाया हूं? तो यह UPMSP की साइट से लेकर आया हूं। कहां से? UPMSP की साइट से। UPMSP का मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। यू उत्तर, पी से प्रदेश, एम से माध्यमिक, एस शिक्षा परिषद, UPMSP, ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर इसको आप लोग पा भी सकते हैं। और हम लोग आज यहीं पर चर्चा करेंगे दोस्त कि आज हम लोगों का मिलेगा क्या। तो जो आप लोगों को मिलने वाला है, देख लीजिए, यह आपका रहा क्या, तो कक्षा 10वीं का सिलेबस। किसका? हिंदी का। किस प्रकार से आएगा दोस्त, चलिए देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से आज सीख लेते हैं। तो अगले दिन से हम आप लोगों को एक एक चैप्टर करके पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको कैसे प्रश्न आएगा? तो खंड अ, खंड अ में कैसा प्रश्न रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कठोर रहेगी, 20 ठो, और हर एक प्रश्न 20 नंबर का, नहीं, एक एक नंबर का, कुल मिलाकर 20 नंबर। कहां कहां से 20 नंबर आएगा? तो देखिए, यह हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। कहां कहां से हिंदी गद्य में से लेगा? तो शुक्ल युग से लेगा तथा शुक्लोत्तर युग से लेगा। इसमें से आपको 5 नंबर लेना है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, कहां से? रीतिकाल एवं
आधुनिक काल से लेगा, कितने नंबर का रहेगा दोस्त? 5 नंबर का रहेगा। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व क्या क्या आएगा? रस आएगा, छंद, अलंकार, सॉरी रस, अलंकार, छंद, तीनों से आएगा। तीनों से कितने नंबर का? तो एक एक नंबर का देख लीजिए, कितने नंबर का? एक एक नंबर का रहेगा। इसमें से आपको फिक्स भी कर दिया गया है कि कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, तो आप लोगों को रस में पढ़ना है हास्य रस, और कौन सा रस? करुण रस पढ़ना है। अलंकार में आपको अर्थालंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। उसमें पढ़ना क्या है? उसका लक्षण पढ़ना है और उसका उदाहरण पढ़ना है। चलिए मेरे दोस्त, हमने कितना नंबर देखा? 5, 5, 10, 3, 13 नंबर। 13 नंबर के बाद हिंदी व्याकरण से आपको 3 नंबर आएगा। कितना नंबर? 3 नंबर। और यह कहां से आएगा? तो यह देखते हैं कहां से आएगा। देखिए हिंदी व्याकरण से जो आएगा 3 नंबर, सॉरी यहां पर देखिए हिंदी व्याकरण से 3 नंबर, यहां पर देख लीजिए साहब कितने नंबर का रहेगा दोस्तों? 3 नंबर का। और ये जो 3 नंबर रहेगा इसमें शब्द रचना के तत्व रहेंगे। पहला वाला उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची। उपसर्ग में कौन कौन सा उपसर्ग पढ़ना है? फिक्स कर दिया है, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभी, परि, सु, ये उपसर्ग है। समास में कौन कौन सा पढ़ना है? चलिए देखिए समास में द्वंद, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, 2, 2, 4 समास पढ़ना है। अब देखिए तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। देख लीजिए तद्भव, तत्सम तथा पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, कितने नंबर का? 3 नंबर का। चलिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना है। कौन सा व्याकरण? संस्कृत। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है? रूप पढ़ना है। कौन सा? सर्वनाम रूप। इसमें तद और युष्मद का पढ़ना है, कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा, एक प्रश्न रहेगा। वाक्य का स्वरूप पढ़ना है, कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। वाच्य पढ़ना है, प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, कितने नंबर का? 1 नंबर का रहेगा। पद परिचय पढ़ना है, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द, कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने कितना नंबर अर्जित किया? देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर इधर, 4, 3, 7, 7, 3, 10 और उसके उदाहरण हम लोग पढ़े हैं 10, 5, 5 नंबर का दुगो था, 10, 10, 20 नंबर। इसका मतलब कि हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, कैसा प्रश्न दोस्तों? देखिए कैसा प्रश्न रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न, हटाइए इसको, कौन सा प्रश्न रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न। अब ये जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे ना, इसमें हमने आपको 20 नंबर दे दिया। कितना नंबर? 20 नंबर। कहां कहां से बताया तो हमने आपको, देखिए अगर नहीं समझ में वीडियो को पीछे करिए और देख लीजिए, 20 नंबर यहां से तो मिल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो अब कहां एंट्री मारते हैं हम लोग? खंड ख में या खंड ब में एंट्री मारते हैं। पहले अ था खंड, अब क्या आ गया? ब। खंड ब में कैसे प्रश्न रहेंगे? वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। वर्णन करने के लिए कहा जाएगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में विस्तृत चर्चा करना वर्णन करना कहलाता है। तो हमको वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में चर्चा नहीं करना है। किसके बारे में चर्चा करना है? पद्य के बारे में, गद्य के बारे में, कथा साहित्य के बारे में चर्चा करना है। आइए देखिए क्या पढ़ना है हमको। पहला वाला गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 2 प्रश्न 3-3 नंबर का आएगा आपको, 6 नंबर इधर से। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित, जो काम इसमें हुआ वही काम इसमें हुआ, देख लीजिए। अगला वाला संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, 3+2। संदर्भ के लिए 2 नंबर
अनुवाद के लिए 3 नंबर, संदर्भ के लिए 2 नंबर, अनुवाद के लिए 3 नंबर, 3 और 2 मिलाकर 5 नंबर। आगे देखिए, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, इसके लिए भी कितना नंबर? 5 नंबर। 2 नंबर संदर्भ के लिए, 3 नंबर अनुवाद के लिए, दोनों मिलाएंगे 5 नंबर हो गया। आगे देखिए, निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। अब आप कहेंगे कि यह कैसा प्रश्न है, तो एक ठो प्रत्येक जिला के लिए फिक्स रहता है खंड काव्य, ठीक है, प्रत्येक जिला के लिए खंड काव्य एक फिक्स रहता है, वही उसी में से प्रश्न आता है, कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न रहेगा। आगे देखिए अगला वाला, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यपुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम। निर्धारित खंड काव्य से, ठीक है, निर्धारित गद्य खंड से, देखिए गद्य खंड से यानी कविता की कहानी, कहानी वाले से, गद्य खंड है, अभी पद्य खंड चलेगा, तो आगे यह कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यपुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाओं का नाम, कितने नंबर का दोस्तों? 5 नंबर का रहेगा। आगे चलिए देखते हैं, हम लोग यहां पर पहुंचे हैं, आगे देखते हैं, यहां तक हो गया था ना, आगे चलिए देखिए, संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो इत बाबू आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको याद करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, पत्र लेखन यानी पत्र लिखने की प्रक्रिया कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक पर आधारित, संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। बाबू संस्कृत में उत्तर 2 गो के लिए 2 नंबर। आगे देखिए, निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। आपको करना क्या रहेगा? आपको लिखना है निबंध। क्या लिखना है? निबंध। निबंध भी फिक्स कर दिया है कि मैं कहां से दूंगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समस्या, जनसंख्या की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, पर्यावरण की समस्या, यातायात की समस्या, या उस पर आधारित नियमों के लिए आपसे क्या लिखने के लिए कहेगा? क्या? निबंध। कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का। कट रहेगा? 1 ठो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, जो हमने पहले ही बता दिया है वह यह बता रहा है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन, कहे है ना आंतरिक मूल्यांकन, कितने नंबर का? 30 नंबर का। क वो प्रश्न रहेगा, अब अलग अलग माह में दिया जाता है, देखिए अगस्त माह में आपको 10 नंबर का रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए यह आपके चरित्र पर निर्भर करता है, देखिए कि आपने विद्यालय में कैसा व्यवहार किया, आप विद्यालय में किस प्रकार से रह रहे हैं, क्या आप अपनी कक्षाओं में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हर बार नंबर कैसा ला रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, परीक्षाओं में आपका क्या प्रभाव रहा, विद्यालय में आपका चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, यह 30 नंबर विद्यालय उसी पर देता है। 10 नंबर आपको अगस्त माह में मौखिक अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न के लिए दिया जाता है। आगे देखें, दूसरा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होती है, यह दिसंबर माह में कराई जाती है, 10 अंक की होती है। 4 मासिक परीक्षाएं कराई जाती हैं, महीना में परीक्षा कराई जाती है, और यह परीक्षा कैसी होती है, तो प्रथम मासिक परीक्षा मई माह में कराई जाती है,
एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होती है। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होती है, यह जुलाई माह में कराई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह नवंबर माह में कराई जाती है। चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न की होती है, दिसंबर माह में कराई जाती है। ठीक है, चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। चलिए 10 नंबर मेरे दोस्त यहां पर, 10 नंबर यहां पर, और चार महीना आप परीक्षा देंगे तो 10 नंबर इसमें मिलेगा। कितना नंबर हुआ, 10 यानी 30 नंबर, यही है आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, यही क्या है, आंतरिक मूल्यांकन। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आपके किताबों में या आपके लिए पढ़ना क्या क्या चैप्टर है या कौन कौन सा चैप्टर है। तो कक्षा 10 में जो गद्य खंड में पढ़ना है, किस खंड में, गद्य खंड में आपको पढ़ना है मित्रता, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ममता पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारतीय संस्कृति पढ़ना है, राजेंद्र प्रसाद की रचना है। डॉक्टर यहां पर लगाना भूल गए हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता पढ़ना है, यहां पर भी भूले हैं, डॉक्टर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पानी में चांद और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती, यहां पर भी यह भूले हैं, डॉक्टर जयप्रकाश भारती की रचना है। ठीक है, यहां पर आपने देखा क्या दोस्त, क्या देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पाठ पढ़ना है। इन सात पाठों में आपको लेखक का परिचय, लेखक का जीवन परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय तथा रचनाएं, उसमें से पाठ से भी प्रश्न आएगा, उनके जीवन परिचय और रचना से भी प्रश्न आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अभी तक तो हमने गद्य में देखा, किसमें देखा, गद्य में। अब देखते हैं किसमें, पद्य में। चलिए पद्य में हम लोग देखने का काम करते हैं, क्या हो जाएगा पद्य में, देखिए पद्य में हमको पढ़ना है पहला सूरदास, इनकी जो रचना है, पद्य को पद को पढ़ना है, किसको, पद को पढ़ना है। तुलसीदास, इनकी रचना क्या है या क्या पढ़ना है कक्षा दसवीं में, धनुष भंग तथा वन पथ पर, दूठो पढ़ना है। आगे आते हैं रसखान, रसखान का सवैया या सवैये तथा कवित्त पढ़ना है। आगे मिलते हैं बिहारी लाल, भक्ति एवं नीति को पढ़ना है। आगे मिलेंगे राम नरेश त्रिपाठी, इनका स्वदेश प्रेम पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर, यह महादेवी वर्मा, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, इनका भी दूठो पढ़ना है। हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, इनका भी दूठो पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा एवं जवानी, दो ठो इनका भी पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ना है। अशोक वाजपेयी, भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल, दो ठो पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी की वीरता, या एक शब्द में कह लीजिए खाली हल्दी घाटी। केदारनाथ सिंह, इनका नदी पढ़ना है। ठीक है, इतना हम लोगों को अभी, पीछे गद्य देखे, यह पद्य था। आगे चलिए देखते हैं कि और क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो अगला आपका संस्कृत के लिए, किसके लिए, संस्कृत के लिए। संस्कृत देखिए, संस्कृत हेतु, संस्कृत में क्या पढ़ना है, पहला पाठ वाराणसी नगरी या वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरुणी श्वेत केतु संवाद, आरुणी श्वेत केतु संवाद,
अगला जीवन सूत्राणि, इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रबुद्धो ग्रामीणः, अगला वाला केन किम वर्धते, इसके बाद अन्युक्ति विलास, अगला वाला आपको पढ़ना है खंड काव्य। खंड काव्य जिले के लिए अलग अलग होता है, तो हमारा जिला है गाजीपुर, गाजीपुर के लिए आपको मुक्तिदूत खंड काव्य पढ़ना होता है। कौन सा मुक्तिदूत, या एक शब्द में कहें तो गाजीपुर में कौन सा चलता है मुक्तिदूत, या मुक्तिदूत खंड काव्य किस किस जिले में चलता है, तो मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, इतने जिलों में चलता है। आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर तथा बाराबंकी जिलों में कौन सा काव्य चलता है, तो मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है। चलिए क्या और जिला है देख लेते हैं, और जिला है इसमें तो आपका एक जिला है उन्नाव। कौन सा जिला है उन्नाव, उन्नाव आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी आदि जिलों में मुक्तिदूत खंड काव्य पढ़ना होता है। तथा अगला वाला देख लेते हैं कौन सा खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य, यह कहाँ पढ़ना है, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के लिए पढ़ना है। अग्रपूजा खंड काव्य कहाँ पढ़ना है, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य कहाँ पढ़ना है, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर तथा बहराइच में पढ़ना होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जय सुभाष खंड काव्य कहाँ पढ़ना है, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। अगला वाला मातृभूमि के लिए, यह भी खंड काव्य है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। चलिए आगे देखते हैं कि और कहाँ पर पढ़ना है, तो हम लोग पहुंचे हैं मातृभूमि के लिए। आगे देखिए कर्ण खंड काव्य कहाँ कहाँ पर पढ़ना है, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, इतने जिले में आपको यह कर्ण खंड काव्य पढ़ना है। करमवीर भरत कहाँ कहाँ पर, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली आदि जिलों में करमवीर भरत के खंड काव्य को, करमवीर भरत खंड काव्य को पढ़ा जाएगा। तुमुल खंड काव्य कहाँ पढ़ना है, तुमुल खंड काव्य वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि जिला में पढ़ना है। नोट, उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिले नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर नया जिला कोई बना है तो पहले जिस खंड काव्य को आप पढ़ते थे और अध्यापक पढ़ाता था वही खंड काव्य चलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अब आपको मैं प्रतिदिन क्लास दूंगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कितने जिम्मेदारी के साथ देख रहे हैं, ठीक है, जिम्मेदारी यह आप लोगों की है, ठीक है, कि इसको देखने का काम करिएगा अच्छी प्रकार से। तो बस एक बार और देख लीजिए अपने गाजीपुर के लिए हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे, तो सीधा सीधा जानिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मुक्तिदूत खंड काव्य। मुक्तिदूत खंड काव्य के जो प्रकाशक हैं अशोक कुमार अग्रवाल प्रकाशक है, ठीक है, अशोक कुमार अग्रवाल। अब यह कहाँ कहाँ पर चलेगा तो देख लीजिए, आगरा में चलेगा, बस्ती में चलेगा, गाजीपुर में, फतेहपुर में, बाराबंकी और कहाँ पर, उन्नाव में। तो मेरे दोस्त हम लोग किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप लोग आगरा से हैं, बस्ती से हैं, गाजीपुर से हैं, फतेहपुर से हैं और बाराबंकी के साथ साथ उन्नाव से हैं, तो आप लोग मुक्तिदूत खंड काव्य पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से आज विदा चाहता हूं। बस हमने आपको पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा किया, 100 नंबर कैसे आप लोग अपने दिमाग में खर्चा करेंगे, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले दिन, और नए जोश, नए जज्बा, नए जुनून के साथ आएंगे हम लोग
गद्य या पद्य खंड को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।